Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So students, जैसा कि आपको पता है कि मेरी आपसे बात मैट्रिक क्लास कंप्यूटर पर चल रही है और क्लास मैट्रिक के कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कंटिन्यू है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग. स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज मौजूद है और वो कौन सा टॉपिक है आइए हम देखें और उस टॉपिक में हम कौन कौन सी चीजों को आज डिस्कस करेंगे. तो बेटा, आज जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है ना, वो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यू शुरू करा था, डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर की जो दो मेन क्लासिफिकेशन थी ना स्टूडेंट्स, दो मेन क्लासिफिकेशन में पहली क्लासिफिकेशन थी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एरे, क्यू, स्टैक इन चीजों को डिस्कस करा था. इसी तरह आज जो है वो हम डेटा स्ट्रक्चर की सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर आता है, आपके पास जो है वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आता है. तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास, और इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, ये हमारे आज के लेक्चर का ओवरव्यू था जिसमें हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सर अगर हम लीनियर और नॉन लीनियर में कंपैरिजन करें बेटा, तो लीनियर का मतलब ये होता था वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तमाम डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियल मैनर को फॉलो करेंगे. तो जाहिर सी बात है बेटा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपके पास कोई सिक्वेंस फॉलो नहीं होती. अगर हम डेफिनेशन को गौर करें तो देखें स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में. द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस. तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट में ही हमें बात क्लियर हो गई कि सर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही. ठीक है, अच्छा भाई, सेकेंड पॉइंट देखें. ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ टू कनेक्ट टू अदर एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि अगर एक एलिमेंट मौजूद है, उसके बहुत सारे डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपके पास एलिमेंट ए है, ये आपके पास एलिमेंट बी है, ये आपके पास एलिमेंट सी है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ टू कनेक्ट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि बी जो है वो पहले सी के पास जा सकता है और फिर सी से जो है वो ए के पास जा सकता है. इसी तरह बी जो है वो ए से डायरेक्टली भी जा सकता है. तो इससे हमने देखा क्या कि हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं बी टू ए जाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपके पास किस में मौजूद होती हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होती हैं. दे सपोर्ट मल्टी लेवल स्टोरेज एंड ऑफन कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन. स्टूडेंट, याद रखिएगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टी लेवल स्टोरेज होते हैं. इसका मतलब एंड कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन सिंगल रन. ट्रेवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सेस. मल्टी लेवल स्टोरेज का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? मल्टी लेवल स्टोरेज का मतलब ये है कि आपके पास एक ये डेटा स्ट्रक्चर, एक ये डेटा एलिमेंट्स है, इससे कनेक्टेड ये डेटा एलिमेंट्स है, इससे कनेक्टेड ये एलिमेंट्स है, इससे कनेक्टेड ये एलिमेंट्स है. अगर आपने डायरेक्टली इस सर्वर को एक्सेस करना है, डायरेक्टली इस सर्वर को एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन आप इन सबसे होते हुए भी जा सकते हो. तो इस चीज को कह रहे हैं, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो मल्टीपल उसके लेवल्स होते हैं स्टोरेज के. हो सकता है आपका डेटा इधर हो सकता है आपका डेटा इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो. ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास सारे फेरिस्ट हैं. तो आइए स्टूडेंट, अब हम इनके मजीद जो है वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को. ट्री डेटा स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है देखें आप. वी हैव वन रूट नोड, वेरी फर्स्ट नोड इन आर ट्री. देखें, ट्री डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स जिसमें रूट तो एक, देखें अगर हम किसी प्लांट की बात करें तो देखें रूट तो एक ही होता है ना, फिर रूट के आगे चीजें बनती जा रही होती हैं. तो रूट का मतलब जो वेरी फर्स्ट आपका नोड होता है ना ट्री में, जैसे ये आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है,
और इसमें जो पहला नोड है आपके पास, सही है, ये पहला नोड, फिर इससे कनेक्टेड मजीद नोड्स आपके पास मौजूद हैं, फिर इससे कनेक्टेड मजीद नोड्स आपके पास मौजूद हैं, सही है। तो ये सारी चीजें नोड्स कहलाती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नोड है ना, ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपका रूट नोड है क्योंकि पहला नोड है, ठीक है। और ये पेरेंट नोड भी कहला सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ये दो चाइल्ड हैं, ये वन और ये टू, दो क्या है, चाइल्ड है। लेकिन फिर इन चाइल्ड के मजीद जब चाइल्ड होगा तो ये पेरेंट नोड बन गए, ये पेरेंट नोड बन गए, ठीक है। अब आइए इसको जरा पढ़ें। इफ अ नोड इज कनेक्टेड टू अनदर नोड कॉल्ड पेरेंट नोड, अगर एक नोड किसी दूसरे मजीद नोड से कनेक्टेड हो जाए तो समझ जाओ ये आपके पास पेरेंट नोड कहलाएगा। तो बेटा बेसिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम पेरेंट चाइल्ड नोड भी कह सकते हैं, या पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड द कनेक्टेड नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। वही बात कि अगर आपके पास ये वाला जो नोड है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये पेरेंट नोड है, तो इससे कनेक्टेड जितने नोड है बेटा वो क्या होंगे, चाइल्ड नोड होंगे। इसे स्टूडेंट्स हम बाइनरी सर्च ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा था? ऑल्सो कॉल्ड ट्री और बाइनरी सर्च ट्री स्टोर मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, इसमें मॉडिफिकेशन भी है, याद रखिएगा, इसमें बैक होने का, रिवर्स होने का रास्ता मौजूद नहीं होता। किसमें? ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रिवर्स होने का रास्ता नहीं होता। देखें जरा मजीद कुछ चीजें देखें। द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। सुन, हायरार्किकल रिलेशनशिप, ये जो हायरार्की का वर्ड यूज हो रहा है बेटा, हायरार्की का मतलब ये होता है एक अरेंजमेंट। हायरार्की का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, एक अरेंजमेंट फॉलो हो रही है यहाँ पे, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, लेकिन उस अरेंजमेंट को आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मॉडिफाई, यू कैन नॉट मॉडिफाई मॉडिफाई द अरेंजमेंट। ट्री रिप्रेजेंट इट्स एलिमेंट एट द नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को नोड्स की सूरत में, और नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस, और नोड्स किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, एजेस के थ्रू। ये देखें, ये आपके पास नोड्स हैं, नोड वन, नोड टू, ये सारे ये नोड्स हैं आपके पास, सही है। और इन नोड्स को हम वर्टिसेस के नाम से भी जानते हैं बेटा, सही है। और ये किससे कनेक्टेड हुए हैं, एजेस से कनेक्टेड हुए हैं। किससे कनेक्टेड हुए हैं बेटा? एजेस से कनेक्टेड हुए हैं। तो बेटा ये आपके पास था ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जो कि नॉन लीनियर की पहली एग्जाम्पल थी। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन लीनियर की सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, तो ये आपके पास एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। देखें जरा क्या होता है। अ ग्राफ इज अ लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट कॉल्ड नोड्स और वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर द लाइंस दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ। ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास एलिमेंट्स या नोड में काउंट की जा सकती हैं। अब ग्राफ की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, ग्राफ की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टूडेंट आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, और बेटा एक आपके पास होता है डायरेक्टेड ग्राफ। और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो देखें क्या होगा। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस दैट ऑल आर बाई डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एज कनेक्ट्स नोड वन एंड टू, वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नोड वन टू नोड टू एंड फ्रॉम नोड टू टू वन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपके पास नोड वन है, ये आपके पास नोड टू है। तो बेटा अनडायरेक्टेड का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि नोड वन से नोड टू की तरफ भी जा सकते हैं और नोड टू से नोड वन की तरफ भी जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, तो नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस, दे ओनली गो इन वन डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्टेड का मतलब हो गया यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल का मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ, जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है,
बल्कि डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होते हैं स्टूडेंट जो यूनिडायरेक्शन होते हैं, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे ये नोट वन है, ये नोट टू है, तो या तो स्टूडेंट्स नोट वन नोट टू से कम्युनिकेट करेगा, या स्टूडेंट्स आपके पास नोट टू जो है वो नोट वन से कम्युनिकेट करेगा। ओके और यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एच कनेक्ट नोट वन एंड टू बट द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड टू, वी कैन ओनली ट्रेवर्स फ्रॉम नोट वन टू नोट टू, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यही चीज स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई है। आइए हम इसके डायग्राम देखें। अब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट देखें, जिस तरह हमने देखा था कि नॉन लीनियर का मतलब ये होता है मल्टीपल पाथ मल्टीपल लेवल स्टोरेज। तो देखो वन यहाँ डायरेक्टली टू से भी जा सकता है, वन फाइव के बाद भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपको वन से थ्री में जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, टू के थ्रू से होते हुए भी जा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, सही है। जस्ट लाइक हमारे यूट्यूब वगैरह में जो चल रहा होता है वो यही होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, ये आपके पास यूट्यूब का मेन सर्वर सर्वर है, लेट सपोज यूट्यूब का मेन सर्वर है, ठीक है, और ये भी एक सर्वर है यूट्यूब का, ये भी एक सर्वर है। अब आप कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हो और ये आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है। अब आप कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हो, ये आपने अपने यूजर ने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी, अब वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि तीनों जगह से डेटा कलेक्ट करके आपके सामने डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। और अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर वन में स्टूडेंट्स आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यूज नंबर वन में लिखा हुआ है ट्रेवर्सिंग एन एरे मीन्स एक्सेसिंग डैश। ट्रेवर्स का मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेवर्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, हर एलिमेंट को एक्सेस करना। एमसीक्यू नंबर टू, डैश स्टोर्स डेटा इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर स्टूडेंट्स कौन से डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, स्टैक क्यू एरे एंड ट्री। तो बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर थ्री, इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम डैश। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, तो सर वर्ड बाइनरी का मतलब ही होता है टू, तो सर इसका मतलब आपके पास है टू नोड्स। इसी तरह एमसीक्यू नंबर फोर, वेरी फर्स्ट नोड इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर विद नो फर्दर कनेक्शन इज टर्म्ड डैश। सबसे पहला जो नोड होता है स्टूडेंट आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, जिसके आपके पास मजीद कोई कनेक्शन नहीं होते हैं, जो खुद किसी कनेक्शन का हिस्सा नहीं होता बेसिकली, सर वो आपके पास होता है रूट नोड, तो सबसे पहला होता है स्टूडेंट आपके पास। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर फाइव आपके पास है, नोड इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर विद फर्दर कनेक्शन इज टर्म्ड एज डैश। तो बेटा अगर आपके पास मजीद नोड मौजूद है डेटा स्ट्रक्चर में जिसके फर्दर कनेक्शन हो सकते हैं, तो बच्चों वो आपके पास कौन सा हो सकता है, हो सकता है स्टूडेंट वर्टिसेस। देयर आर नोड्स इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर विद प्रियर कनेक्शन टर्म्ड एज, प्रियर कनेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स पहला, तो सर आपके पास पहला कौन सा है, रूट नोड। इसी तरह एक और एमसीक्यू, अ टाइप ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस व्हिच इज बाई डायरेक्शनल। तो बेटा वर्ड बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है मल्टी डायरेक्शनल, मतलब डेटा जा भी सकता है और डेटा आ भी सकता है, तो सर वो आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है। जबकि सर इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस दैट आर कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। तो जहां भी अनडायरेक्टेड की बात हो रही हो स्टूडेंट्स, वहां आप बाई डायरेक्शनल को याद रखेंगे, जिसमें नोड वन से नोड टू की तरफ भी जा सकते हैं और नोड टू से नोड वन की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो बेटा ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, देखें, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट सिमुलेट्स अ हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर विद रूट वैल्यू एंड सब ट्रीज ऑफ चिल्ड्रन विद पेरेंट नोड। इसी तरह अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड थ्रू एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। तो स्टूडेंट ट्री में जो है बेसिकली एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट फॉलो हो रही होती है, जबकि ग्राफ में ये चीज जरूरी नहीं होती। देयर इज अ रूट नोड, ट्री में आपके पास रूट नोड मौजूद होता है, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास
ग्राफ में कोई रूट नोड मौजूद नहीं होता। ट्री में स्टूडेंट कोई लूप नहीं चला सकते आप, जबकि ग्राफ में जो है वो आप लूप्स यानी रिपीटेशन के कॉन्सेप्ट को चला सकते हैं। इसी तरह रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म फॉर ट्री स्ट्रक्चर इन हायरार्किकल मैनर, रिप्रेजेंट डेटा सिमिलर टू अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्सिटी। टू मेजर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज आर बाइनरी सर्च ट्री, जबकि टू मेजर टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ट्री जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि स्टूडेंट ग्राफ जो होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से बन सकता है, जिसमें आप ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स, जिसे हम फाइनाइट सेट्स का नाम देते हैं, कॉल्ड नोड्स, वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर लाइंस दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ। ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स एक्सेट्रा। वी हैव वन रूट नोड, वेरी फर्स्ट नोड इन आर ट्री। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज सही कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम इसकी जरा टाइप्स को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है स्टूडेंट हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो बेटा डायरेक्टेड ग्राफ वही होता है स्टूडेंट्स, नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस, दे ओनली गो इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एज कनेक्ट नोड वन एंड नोड टू बट द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड टू, वी कैन ओनली ट्रेवर्स फ्रॉम नोड वन टू नोड टू, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पे यही बात हो रही है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत जबरदस्त दिया है स्टूडेंट। डायरेक्टेड ग्राफ में आप बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, जैसे ए बी सी, ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ सकते हैं, रिवर्स नहीं जा सकता डायरेक्टेड ग्राफ में, सही है। जबकि स्टूडेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ की अगर बात करें तो सर ये रिवर्स भी जा सकता है। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस दैट ऑल आर बाय डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एज कनेक्ट नोड वन एंड नोड टू, वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नोड वन टू नोड टू एंड फ्रॉम नोड टू टू वन। तो स्टूडेंट ये आपके पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ टू एवरी वन, टेक केयर।